Hello everyone, myself Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prep Up. This is our first class of reasoning. तो अगर आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखे होंगे तो मैंने उसमें हमारे चैनल के भी बारे में बताया है और सिलेबस के भी बारे में बताया. तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो कि है एनालॉगी. तो पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स हैं जो पता होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या होते हैं और कितने होते हैं. सेकंड, वोवेल्स ये क्या होते हैं और कितने होते हैं. थर्ड, कॉन्सोनेंट्स ये कुछ टर्म्स हैं इंग्लिश के जो क्लियर होने चाहिए पहले से, क्योंकि अगर ये एनालॉगी हम लोगों को पढ़ना है तो ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, तो ये सब हम लोगों को क्लियर होने चाहिए. कुछ मैथ्स के भी टर्म्स हैं जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. जिन्हें पता है उनके लिए तो ठीक है, बट जिन्हें नहीं पता वो प्लीज़ ये सब पहले पढ़ लें, ये आपको नेट से भी मिल जाएगा. और जो मैथ्स के टर्म्स हैं इसके लिए आप सर का बेसिक क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो उन्होंने सारा कुछ बेसिक से स्टार्ट किया है, तो आप ये वाला क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ये सब आपका वन बाय वन क्लियर हो जाएगा. तो आप पहले वो कर लो, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, अगर मैथ्स पढ़ाने लग जाऊँगी तो बहुत टाइम ऑक्यूपाई हो जाएगा, इसीलिए आप पहले ये सब पढ़ लो. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एनालॉगी होता क्या है. एनालॉगी पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एनालॉगी क्या है, इसका कितना टाइप है, कैसे पता चलेगा कि एनालॉगी क्वेश्चन है. मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन मिला तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एनालॉगी का क्वेश्चन है. वो पता होने के लिए हम लोग को रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, फिर कैसे सॉल्व करते हैं ये पता होना चाहिए, कितने टाइप्स होते हैं ये पता होना चाहिए. तो हम लोग वन बाई वन देखते हैं. सबसे पहले एनालॉगी क्या होता है. एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, समानता. व्हेन वी ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट्स, एनी नंबर्स, एनी लेटर्स, एनी वर्ड्स. जैसे सपोज ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, फिर ये नंबर, ये वर्ड और ये ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, नंबर यानी कि संख्या, लेटर यानी कि अक्षर और वर्ड यानी कि शब्द. जब भी हम इनका कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, किसी दो वर्ड्स के बीच में, किसी दो नंबर्स के बीच में, किसी लेटर्स के बीच में, किसी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और सिमिलैरिटीज निकालते हैं उनके रिलेशनशिप के बेसिस पे, कॉमननेस के बेसिस पे, तो उसको हम लोग कहते हैं एनालॉगी. Here, जब भी हम लोग कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, सपोज कि ये दो मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, तो दोनों ही मार्कर, बट हम लोग इसका बेसिस किए ना, इस पे कंपेयर किए कि ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, इससे ब्लैक लिखाता है और इससे ब्लू लिखाता है. तो जब भी किसी बेसिस पे, मतलब किसी ट्रेट्स पे, ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, साइज, शेप, कलर, कुछ भी हो सकता है, अगर किसी ट्रेट्स पे, किसी बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते हैं और रिलेशनशिप निकालते हैं, सिमिलैरिटीज निकालते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग एनालॉगी. क्लियर है? नोट करते जाना आप सब, ताकि एक जगह पे नोट्स बना रहे, और अगर नोट्स बना रहेगा तो कभी भूलेंगे भी तो एक बार देखने पर सब क्लियर हो जाएगा. तो ये होता है एनालॉगी. तो अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि एनालॉगी का क्वेश्चन है, देखेंगे तो पता तो होना चाहिए कि एनालॉगी का क्वेश्चन है ताकि सॉल्व कर सके. तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
तो आप देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। जब भी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे, फर्स्ट एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट प्रोपोर्शन, थर्ड एलिमेंट इज टू फोर्थ एलिमेंट, जब भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन कहीं दिख जाए एग्जाम में, तो हम लोग को समझ जाना है कि एनालॉगी का क्वेश्चन है। एनालॉगी में इस तरह से रिप्रेजेंटेड रहता है, और ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के प्लेस पे हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई नंबर हो, कोई वर्ड हो, या कोई लेटर इस एलिमेंट के प्लेस पे। जहां मैंने एलिमेंट लिखा है वहां पे नंबर, ऑब्जेक्ट, वर्ड, लेटर, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, नंबर यानी कि संख्या, वर्ड यानी कि शब्द, और लेटर यानी कि अक्षर। तो इस एलिमेंट्स के जहां पे ये सब में से कुछ मिलेगा। तो इसमें क्या करता है ना, बेसिकली एनालॉगी में कोई एक एलिमेंट गायब रहता है। सपोज कि ये वाला एलिमेंट नहीं है, यही हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग देखेंगे कि जो गिवन पेयर, एक पेयर गिवन होगा और एक पेयर में एक एलिमेंट एबसेंट होता है, तो जो गिवन पेयर होगा उसका जो रिलेशनशिप बन रहा होगा, सेम अप्लाई कर लेंगे हम लोग सेकेंड वाले पेयर पे। इसमें दो पेयर्स होते हैं, तो अगर दो पेयर हैं तो एक पेयर गिवन है और एक पेयर में से एक एलिमेंट, जरूरी नहीं है कि फोर्थ ही एलिमेंट गायब हो, थर्ड भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट गायब रहता है, मीन्स जिसको मन की आया गायब कर दिए, तो कोई एक गायब रहेगा और एक पेयर गिवन रहेगा। जो पेयर गिवन है उसका रिलेशनशिप चेक करेंगे, उसका सिमिलैरिटी चेक करेंगे, और वो वाला सेम अप्लाई कर दो, मीन्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर इसका रिलेशनशिप इससे, अगर कुछ ए टू बी मान लेते हैं इसका रिलेशनशिप, तो इस पे भी हम लोग वही रिलेशनशिप, जिस बेसिस पे ए टू बी रिलेशन आया, उसी बेसिस पे इस सेकेंड वाले पेयर पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे, चेंज नहीं कर सकते। जो गिवन पेयर का होगा रिलेशनशिप वही अप्लाई करना, तो हम लोग को हमारा फोर्थ एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये तो देखिए कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट रहता है, पैटर्न्स भी कुछ होगा। अभी मैंने कहा कि कोई भी एक गायब हो सकता है, जिसको मन आएगा वो एग्जामिनर वैसा क्वेश्चन उठाएगा, इसमें गायब है कोई भी, इधर सेकेंड, फोर्थ, कुछ भी। तो उसके लिए पैटर्न्स पता होना चाहिए, रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए किसी पेयर का हम लोग को पैटर्न पता होना चाहिए। देखते हैं पैटर्न क्या है, आप नोट कर लो। किन किन पैटर्न्स पे आता है क्वेश्चन? पहला पैटर्न, थर्ड एलिमेंट इज टू फोर्थ एलिमेंट। अगर ऐसे है तो हो सकता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप हो एक दूसरे से, और इन दोनों का रिलेशनशिप होगा एक दूसरे से। मीन्स अगर इन दोनों का रिलेशनशिप है तो हम समझ जाएं कि अब इन दोनों का रिलेशनशिप है। या तो हो सकता है कि ये वाला गिवन है और ये वाला गायब है, तो इसका इससे रिलेशनशिप बना, और अगर हो सकता है ये गिवन है ये गायब है, तो इसका इससे रिलेशनशिप बना। क्लियर? उसी तरीके से जो इस पे गिवन पेयर का जो रिलेशनशिप होगा, वो अगर ये पूरा गिवन है, इसमें से कुछ भी गायब नहीं, ये पेयर गिवन है, तो सेम पेयर का जो रिलेशनशिप होगा जिस बेसिस पे, वो हम लोग इस पे अप्लाई करके हम लोगों का जो एबसेंट एलिमेंट है, मान लेते ये एबसेंट था, ये हम लोग उस तरीके से फाइंड कर लें। ये पहला पैटर्न। सेकेंड पैटर्न, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इज टू फोर्थ एलिमेंट। अब ऐसा है तो अब क्या हो सकता है कि फर्स्ट और थर्ड का रिलेशनशिप, और थर्ड का फर्स्ट, मतलब एक दूसरे से रिलेशनशिप हो। कह रही हूं अभी मैं कि अगर ये गायब हो गया, ये गिवन है और ये पेयर गिवन है, तो अगर इसका इससे रिलेशनशिप बनाया गया तो हो सकता है इसका इससे होगा, अगर इन दोनों का इसका इससे बनाया गया तो इसका इससे होगा। मीन्स कोई एक गायब होगा और उसका रिलेशनशिप डिसाइड करेगा कि किसका किससे।
जो पेयर गिवन है उस बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये वाला, अगर थर्ड और एक मतलब फर्स्ट और थर्ड का रिलेशनशिप है, तो अब सेकंड और फोर्थ का रिलेशनशिप होगा, और फोर्थ और सेकंड का रिलेशनशिप, ठीक है। एक दूसरे से बस इसका रिलेशनशिप होता है। पहला पैटर्न में फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन है और सेकंड फर्स्ट का, तो थर्ड और फोर्थ का, फोर्थ और थर्ड का हो जाएगा। सेकंड पैटर्न में है कि इसका फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन, और थर्ड का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ से रिलेशन है, और फोर्थ का सेकंड। प्लीज नोट करते जाना, क्योंकि मैं बार बार तो एक ही टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालॉगी सॉल्व करने के लिए। पैटर्न पता होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा क्वेश्चंस। लास्ट पैटर्न, ऐसे तो बेसिकली इन दोनों पैटर्न पे मिल जाता है क्वेश्चन, समटाइम्स रेयरली ऐसा होता कि ये दोनों पैटर्न नहीं होता, तब कौन सा होगा। तो लास्ट पैटर्न, फर्स्ट एलिमेंट टू सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट टू फोर्थ एलिमेंट, अब क्या होगा रिलेशनशिप। तो अब हो सकता है फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशनशिप हो, फोर्थ और फर्स्ट का एक दूसरे से रिलेशनशिप। अभी तो इन दोनों का रिलेशनशिप था, तो इन दोनों का रिलेशनशिप हुआ, सॉरी इन दोनों का, फिर इसका और इसका हुआ, तो इन दोनों का हुआ। अब क्या बचा लास्ट, तो एक अब वन और फोर्थ का रिलेशनशिप बनेगा, फोर्थ और वन का। तो जब इन दोनों का रिलेशनशिप हो गया, तो अब होगा हम लोगों का ये रिलेशनशिप सेकेंड और थर्ड का। बहुत इजी है। जब मैंने क्या बोला कि जिस पेयर पे गिवन रिलेशनशिप होता है, सेम अप्लाई करते हैं सेकेंड पेयर पे, तो बस पेयर फाइंड करना होता है कि कौन सा पेयर है। पेयर के लिए ही पैटर्न होना चाहिए। तो एक पेयर ऐसा होता है, ये दोनों, तो ये थर्ड और फोर्थ, फिर फर्स्ट और थर्ड, तो सेकेंड और फोर्थ, एंड द लास्ट पेयर इज फर्स्ट और फोर्थ, तो सेकेंड और थर्ड। ये तीन पेयर पे ही क्वेश्चन बनता है, इन तीन पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनता है। इसी से हम लोगों को फाइंड करना होता है कि कौन सा पेयर है। तो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे उसका रिलेशनशिप, तो हम लोग को सेकेंड पेयर का लास्ट एलिमेंट जो फाइंड करना है, जो गायब किया हुआ है, वो ढूंढना है। तो ये तीनों पैटर्न है, आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि क्या रिप्रेजेंटेशन था, क्या पैटर्न था, कैसे हम लोग पता करेंगे कौन सा पेयर है, कौन सा पैटर्न। तो कुछ टाइप्स भी है एनालॉगी का, मतलब ये अगर मैंने यहाँ पे एनालॉगी लिखा तो इसके कुछ टाइप्स भी। अभी मैंने कहा कि वर्ड्स पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, तो उसी बेसिस पे इसका कुछ टाइप्स, जैसे पहला टाइप, लेटर बेस्ड एनालॉगी, अक्षर पर आधारित, सेकेंड इज वर्ड बेस्ड एनालॉजी। शब्द पर आधारित लास्ट है नंबर बेस्ड एनालॉजी। यानी कि संख्या पर आधारित, तो ये तीन टाइप है मेन टाइप्स, इसी पे क्वेश्चंस होते हैं, अक्षर पे, शब्द पे और संख्या पे, यानी कि नंबर पे, वर्ड्स पे और लेटर। ये तीन टाइप है एनालॉगी का, ये मेन टाइप्स है। तो हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे, पहले लेटर एनालॉगी करेंगे, फिर वर्ड एनालॉगी करेंगे, लास्ट नंबर एनालॉगी करेंगे। तो आज हम लोग लेटर एनालॉगी स्टार्ट करते हैं, आप नोट कर लो वरना स्क्रीनशॉट ले लो। तो लेटर एनालॉगी क्या है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स हैव टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन लेटर
और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स, मान लेते हैं ये ए है ये बी है, लेटर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना होता, या ए बी सी डी ई एफ, या ग्रुप ऑफ लेटर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना होता, यही होता है लेटर एनालॉजी। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ ए बी लिख दिए तो यही और ए बी सी लिख देते, बहुत सारे टाइप्स है, इस पे भी बहुत सारे टाइप पे क्वेश्चन आता है, हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे। अब एक ही दिन रेलगाड़ी तो नहीं बन जाएंगे ना, अब रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि रेलगाड़ी बन जाए हम लोग, तो हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे, समझना भी है, एग्जाम्पल भी बनाना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना। तो बस मैं समझा रही हूँ ये कि या तो सिंगल लेटर्स हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, आपको उसी के बेसिस पर रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। तो टाइप वन कैसा आता है इसका क्वेश्चन? पहला टाइप है फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड, पहला है फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड, मतलब सीधा। फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा, सीधा क्रम, ठीक है, फॉरवर्ड सीक्वेंस मतलब सीधा क्रम। मैंने कहा था एनालॉजी पढ़ाने से पहले ही कुछ टर्म्स है जो क्लियर होने चाहिए, यहां उन टर्म्स का यूज है। मैंने कहा था अल्फाबेट्स क्लियर होने चाहिए, तो अल्फाबेट्स क्या है, कितने है? तो इंग्लिश अल्फाबेट्स तो 26 है, सबको पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को नहीं पता हो तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो फिलहाल के लिए, और इसको बाद में अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, बट आई थिंक सबको पता होना चाहिए, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। तो ये अल्फाबेट्स यानी कि वर्णमाला, तो वर्णमाला 26 होते हैं, कौन कौन, ए टू जेड। अब ये मत बोलना प्लीज कि ए बी सी डी पूरा लिखवा दो, ए टू जेड होते हैं हम लोगों को ये पता है, इसके बीच में सब आता, ये पता होना चाहिए। तो ये 26 है। फॉरवर्ड कहने का मतलब है जब हम लोग ए से जेड तक पढ़ते हैं ए बी सी डी, तो वो होता है फॉरवर्ड बेस्ड, यही होता है फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड। तो हम लोगों को कुछ अल्फाबेट्स में भी कुछ तरीके से पता होना चाहिए, मीन्स पोजिशन वाइज, पोजिशन वाइज पता होना चाहिए कि ए वन पे आता है, जेड 26 पे आता है, इनके बीच में भी जो लेटर्स हैं वो कितने पे आते हैं, कहाँ आते हैं। मीन्स अगर मैं कहूँ ओ कितने पे आता है, तो 15 पे आता है, हम मुझे पता है एक्चुअली कि 15 पे आता हो, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग को पता होना चाहिए कौन सा लेटर किस पोजिशन पे आता है। फिर अपोजिट लेटर्स, ये मैं पढ़ाऊंगी आगे, लेकिन इसका भी यूज है, मैं बता रही हूँ। अपोजिट लेटर्स मतलब विपरीत अक्षर, ए के पीछे जेड है हम लोग को पता है, तो बी के पीछे क्या पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि इसके भी ऊपर क्वेश्चंस बनता है। तो कुछ टर्म्स है क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से इसको पढ़ना। बस मैं ये बता रही हूँ कि फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड होता क्या है, जब हम लोग ए से जेड पढ़ते हैं तो वो फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड कहलाता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल वन क्या ले, चलो ठीक है, ए इज टू बी, एल इज टू वॉट। मैंने पहले कहा हम लोग को पैटर्न पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये तो आप बार बार फोर्थ ही डिजिट गायब कर रही हो, तो एग्जाम में भी क्या फोर्थ ही डिजिट सिर्फ गायब होगा, मतलब डिजिट मीन्स फोर्थ प्लेस पे जो फोर्थ एलिमेंट जो है वो, तो फोर्थ एलिमेंट ही गायब नहीं रहेगा। मैं बार बार कह रही, मैंने गायब किया, मेरा मर्जी, तो बस आपको समझाने के लिए मैं गायब कर रही हूँ, हो सकता है ये गायब होता और यहाँ गिवन होता, तभी मैंने कहा कि पैटर्न पता होना चाहिए हम लोग। तो जैसे यहाँ पे ए इज टू बी है, तो एल इज टू वॉट, उसके लिए हम लोग को पेयर फाइंड करना, तो ये वाला गिवन हम लोग देख सकते कि इन दोनों का रिलेशनशिप है, क्योंकि ये अगर गायब है तो जो इसका रिलेशनशिप होगा वही हम लोग सेम अप्लाई करेंगे इस पे,
तभी तो हम लोग को आंसर मिलेगा। तो यहाँ ए इज टू बी, ये दो तरीके से आप देख सकते हो सीक्वेंस में है, ए के बाद जस्ट बी आता है, तो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं एल के बाद जस्ट एम आता है पहला। या आप कह सकते हो ए में प्लस एक है, ए में एक प्लस करते हैं ए के डिजिट में तो बी आता है, तो एल में भी हम लोग एक प्लस डिजिट करेंगे तो एम आएगा। एम आई क्लियर? क्लियर। सिंपल सा अगर मैं सबसे इजी क्वेश्चन उठा रही हूं, पता करना आपको कि सीक्वेंस क्या है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैंने ये वाला एलिमेंट गायब किया और इसका बेसिस हम लोग को पता चल गया कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। सिंपल आप ये भी देख सकते हो, कोई भी तो सोच सकता है, सबकी थिंकिंग सेम नहीं है ना। हम कह सकते हैं यहाँ कोई सोच रहा है ए के बाद बी आता है तो एल के बाद क्या आता है, तो एम आता है। फिर कोई सोचेगा कि अच्छा ए वन पोजिशन पे आता है तो बी उसमें एक और जोड़ दिए, बी दूसरे नंबर पे आता है, तो ये हो गया। वैसा सेम इस पे अप्लाई करेंगे जो हम लोग इस पेयर के लिए सोचेंगे, गिवन पेयर के लिए रिलेशनशिप निकालेंगे, सेम अप्लाई करेंगे, चेंज नहीं कर सकते, मस्ट है सेम ही अप्लाई करना। तो जब सेम अप्लाई करेंगे तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा, एम। गॉट इट? क्लियर? क्लियर मिटा दू तो ठीक है। ये पहला टाइप है फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड का। अब ये पहला एग्जांपल था जो सबसे इजी एग्जांपल था, मैंने कहा कि सिंगल लेटर्स में भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स में से भी हो सकता है, तो सिंगल का हम लोग समझ गए, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी समझ लेते हैं। मिटा रही हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, ए बी एल एम सी टी इज टू वन। अब फिर मैंने फोर्थ एलिमेंट गायब किया, सवाल बना, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे पता करना कि पैटर्न क्या है। यहाँ ये दोनों गिवन है, इसका भी पैटर्न हो सकता है, मगर यह देखने वाली बात है कि मैंने कहा था ये वाला भी तो पैटर्न होता है। सी डी के बाद ई एफ हम कर लेंगे, ऐसे कैसे कर लेंगे, हम लोगों को सीक्वेंस भी तो पता होना चाहिए। ए बी सी डी, अब अगर ये लिखूंगी तो मत बोलना कि टाइम लग रहा है। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हो गया हम लोग का अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स हो गए। अब हम लोग को सीक्वेंस पता करना। पहले वाले पेयर में ए बी है साथ में, फिर एल एम है साथ, ठीक है। तो इन लोगों का क्या रिलेशन बन रहा है, इसके बीच में बहुत लंबा गैप आ रहा है, तो ये होने का चांस थोड़ा रेयर हो गया। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, हम लोग कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स मतलब 9 अल्फाबेट्स छोड़ के, 9 लेटर्स छोड़ के फिर एक ग्रुप। तो इधर भी हम लोग 9 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होना चाहिए। तब तो यहाँ एक्स डब्ल्यू होना चाहिए, अगर ये वाला है पेयर तो यहाँ पे एक्स डब्ल्यू होना चाहिए, ना कि सी और डी, तो ये होना चाहिए था, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो सी डी है। तो हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि पेयर ये वाला बन रहा है, ऑप्शन में भी देखेंगे। तो अगर ये वाला बन रहा होता, यहाँ मैंने बहुत सारे पैटर्न्स बताए थे कि फर्स्ट और लास्ट, ये भी आप कह सकते हैं कि ये दोनों गिवन है तो ये दोनों पेयर है और फर्स्ट और लास्ट हो सकते हैं, तो इसका भी तो फॉरवर्ड सीक्वेंस मैंने कहा, ये तो बैकवर्ड हो जाएगा अगर इसका इससे रिलेशन ले रहे, क्योंकि अब हम लोग इसका इससे रिलेशन लेंगे क्योंकि ये गायब है। मैंने कहा था ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, ठीक है, तो ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, जो भी गायब होगा, जो एलिमेंट गिवन नहीं होगा, अगर ये एलिमेंट गिवन नहीं है तो इधर से चलेगा पैटर्न, और अगर ये एलिमेंट गिवन है, ये नहीं गिवन है, तो इधर से चलेगा पैटर्न। ये क्लियर होना चाहिए सब, तो हम लोग ये भी पैटर्न इस्तेमाल नहीं करेंगे। मींस जो भी सोच रहे हैं कि यह हो सकता है ये वाला पैटर्न है,
और ये वाला पैटर्न है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये फॉरवर्ड सीक्वेंस है, सीधे क्रम में चलना, हम लोग को सीधे तरीके से सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग को मिला ये वाला पैटर्न, ए बी सी डी मिला। तो हम लोग देख सकते हैं एक ए बी आया फिर सी डी आया, तो एल एम आया, अब क्या आएगा, एम ओ आएगा, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस में देखें, फॉरवर्ड सीक्वेंस में देखें, मतलब रेगुलर सीक्वेंस में देखें, तो ए बी सी डी एल एम एन ओ, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ का, एन ओ, ये होगा हमारा आंसर। क्लियर? किसी को भी कंफ्यूजन है, किसी को भी प्रॉब्लम है, प्लीज आप कमेंट में बता सकते हो, मैं क्लियर करूंगी डाउट सेशन में। ऐसे मेरे तरफ से तो क्लियर होना चाहिए, ये तो छोटा छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, इतना इजी था। तो ये पता चल गया कि किसका सीक्वेंस कैसे पता करना है, कि कौन सा पेयर बन रहा है, कौन सा पैटर्न फॉर्म कर हो रहा है। तो ये हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स के लिए। अब ऐसे जरूरी नहीं कि मैंने ए बी लिया तो सिर्फ ए बी ही होगा, ए बी सी नहीं हो सकता क्या, ए बी सी डी नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स में कितने भी आ सकते हैं। तो ये मैंने लिस्ट लिया था, तो सिंगल भी पता चल गया और ग्रुप का भी पता चल गया, फॉरवर्ड सीक्वेंस बेस्ड। क्लियर है? नोट कर लो, नहीं तो मैं मिटा रही हूं। मुझसे लिखवा ही लिया पूरा एबीसीडी, ऐसे मैं डायरेक्ट बना सकती थी, मगर अगर मैं बनाती तो आपको पता नहीं चलता ना सारा पैटर्न। अब शायद सबको क्लियर होगा सारा पैटर्न, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नाउ बैकवर्ड बेस्ड, अब दूसरा टाइप है क्वेश्चन का, किस पे क्वेश्चन आता है। पहला टाइप तो हम लोग देख लिए कि फॉरवर्ड बेस्ड का होता है, सीधा क्रम का। अब है बैकवर्ड बेस्ड, मतलब विपरीत क्रम, बैकवर्ड सीक्वेंस, बैकवर्ड ऑर्डर। तो वो देखते हैं वो क्या है। सेकेंड इज बैकवर्ड सीक्वेंस बेस्ड। बैकवर्ड सीक्वेंस मतलब विपरीत क्रम, ये होता है बैकवर्ड बेस्ड। तो बैकवर्ड कैसे पता चलेगा कि बैकवर्ड है, कैसे पता चलेगा हमको बैकवर्ड में बनाना। तो बैकवर्ड होता क्या है, ये कौन सा ऑर्डर है कि बैकवर्ड। अभी तो हम लोग फॉरवर्ड देखे, फॉरवर्ड मतलब सीधा, बैकवर्ड मतलब उल्टा। तो सब समझ सकते हैं कि अगर हम लोग सीधा में ए टू जेड पढ़ रहे हैं, अगर ये फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड होना चाहिए जेड टू ए। यानी कि इस बार जब हम लोग जेड टू ए पढ़ते हैं, मतलब जेड वाई एक्स डब्ल्यू V, अगर इस तरह से ए तक आते हैं तो वो होता है बैकवर्ड बेस्ड। तो बैकवर्ड बेस्ड पे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो देखते हैं। पहला एग्जांपल M L B, what? Same question पे backward बना के देखते हैं। तो यहाँ भी fourth element ही गायब है, सोच लो कि fourth ही element गायब हो रहा है मुझसे। तो पहला M फिर L, फिर हम लोग को pattern find करना है ताकि हम लोग absent element निकाल सके। तो pattern क्या क्या बनता है वो पहले check करते हैं। तो M और L मैंने कहा ना, तो एक बार में देख के पता चल रहा है ना कि मैंने कहा था कि बैकवर्ड है, तो L के बाद M आता है, एल एम, लेकिन यहाँ एम एल है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बैक किया हुआ है, एक M के पहले आता है L, यहाँ बैक किया हुआ है। तो सेम हम लोग इस पे अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग को साफ दिख रहा है कि L के बाद M आता है लेकिन यहाँ M के बाद L है, तो ये बैक किया हुआ है एक, मतलब एक पीछे किया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग करेंगे, तो इसमें एक पीछे करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो हम लोग का आंसर क्या है, ए। तो इजी सा था, हलवा समझ के खा लो। तो ये पहला था, इजी सा था, बैकवर्ड समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन से। और जिनको नहीं आया प्लीज मैं एक बार और बता रही, इससे इजी कुछ भी नहीं होता। जैसे ए बी सी डी,
LMN, ओ मैं अगर हाफ हाफ पेयर ले रही हूँ, ठीक है, हाफ हाफ डिजिट्स ले रही हूँ, बस वो ले रही हूँ जिसमें ये आ रहा है जो हम लोग एक काम का। तो यहाँ देखो, यहाँ है ए बी, पर यहाँ बी है और एक एबसेंट, यहाँ एम एल, एम है फिर एल, तो एक पीछे आ रहा है, हम लोग देख सकते कि एक बैक हो रहा है, तो यहाँ एम और एल आ गया, तो यहाँ भी एक बैक करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ए मिलेगा, विच इज आर आंसर। गॉट इट, नोट कर लो, फिर कर ही लिया होगा अभी तक तो इतना। अब मैं मिटा रही हूँ, बहुत कम था ये। हाथ फास्ट चलाना होगा और माइंड तेज, यानी कि सब कुछ बस तेज चलाना, स्लो का कुछ गुंजाइश ही नहीं। सिंपल सी बात ये है, स्लो रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे, इसलिए फास्ट बनना है, तेज बनना है। तो बैकवर्ड का अब ग्रुप वाला देख लेते हैं। सेकंड, जेड वाई इज टू एक्स डब्लू प्रोपोर्शन ई डी इज टू वॉट। तो यहां देखना, यहां भी चेक करना पैटर्न क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस बैकवर्ड, जो मैं बैकवर्ड का बता रही हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स का एग्जाम्पल। तो इसमें अगर बैकवर्ड देखेंगे तो पेयर क्या फॉर्म हो रहा है, देख सकते हैं, जेड वाई एक्स डब्लू, इजी इजी ले रही हूँ ताकि पता चल जाए कि क्वेश्चन में करना क्या है, बाकी हम लोग क्वेश्चन सेशन में सॉल्व करेंगे हार्ड हार्ड क्वेश्चंस। तो पहले ये देखते हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, यहां से पता चल रहा है कि ये बैग जा रहा है, एक 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 बैग जा रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ये पेयर बन गया। अब इसका पेयर हम लोग को फाइंड करना जो एबसेंट, तो वहां पे क्या होगा, अगर हम सीधा सीधा लिख दें ए बी सी डी ई, यहाँ तो बैकवर्ड है ई डी, तो अब बैक करेंगे क्या आएगा, सी और बी। अब इसको हम उल्टा लिख के बताते हैं तो कंफ्यूजन नहीं, ई डी सी बी ए उल्टा लिखे, तो यहाँ देख सकते हैं इसका बैकवर्ड क्या होगा, ई डी गिवन है, अब होगा सी बी, बी सी डी ई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ई डी सी बी, यानी कि सी बी हमारा आंसर। गॉट इट, क्लियर है सबको, तो यह आंसर हो जाएगा सी बी। नोट कर लो आप, मैं साइड हो जाती हूँ। तो अब ये सब पता चल गया हम लोग को, फॉरवर्ड बेस्ड बैकवर्ड बेस्ड सारा कुछ क्लियर हो गया। तो अब एक न्यू टाइप है क्वेश्चंस का, इस पे भी क्वेश्चंस बनता है, वॉवल कॉन्सोनेंट बेस्ड, ठीक है, वॉवल यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, ठीक है, इसके रिलेशनशिप पे भी बनता है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करते हो तो आप समझ जाओ। जैसे ए सी टी इज टू ई वी एक्स प्रोपोर्शन यू टी के इज टू आई, नहीं 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 सब मैं ही बता दूंगी तो कैसे सॉल्व हो, मैं चेंज किया जाए, आई एन के इज टू वॉट। तो यहाँ हम लोग को पता करना है क्या रिलेशन है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे अभी तो, यहाँ एक्ट है या ईवीएक्स है या इंक है, वहां क्या होगा, मतलब फोर्थ एलिमेंट क्या होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल, वॉवल में भी कुछ पैटर्न्स हैं, या तो यहाँ ए है, यहाँ वी एक्स कॉन्सोनेंट और ये ई वॉवल, फिर यहाँ एन के कॉन्सोनेंट्स है और ये आई वॉवल। तो क्या पता चला क्वेश्चन देख करके कि ये सीक्वेंस में वॉवल आ रहा है ए ई आई। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, अभी हम कुछ भी डाल दे वैसा थोड़ी होता है क्वेश्चन में, मान ले तो ऑप्शंस कुछ गिवन है, ई एल टी बी एम एल टी सी ओ डब्ल्यू एल डी टी ए डी, कुछ भी,
ठीक है, ये चार ऑप्शंस है अगर गिवन क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन है तो अभी हम लोग देखें क्या सीक्वेंस में बन रहा है, ए ई आई, तो इसके बाद क्या आता है ओ। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, फटाक फटाक अपना दिमाग चलाएंगे कि हाँ क्या हो रहा है क्वेश्चन में। क्या हम लोग देखें, ये दोनों कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी दो कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी दो कॉन्सोनेंट है, नहीं कॉन्सोनेंट से पहले इनिशिएट हो रहा है वॉवल से, आई ये ई ये ए, मतलब एक सीक्वेंस में जा रहा है ए ई आई, तो अब हम लोग को यहाँ मिलेगा ओ। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन में आउल है, तो हम लोग फटाक से क्या मारेंगे आउल। इसमें भी दो लेटर्स क्या है कॉन्सोनेंट और ये है वोवेल ओ, समझ गए क्या। तो ये पैटर्न रहेगा ए ई आई ओ यू, हो सकता है बैकवर्ड सीक्वेंस में भी डाल दिया हो, यहाँ यहाँ ओ रहता, यहाँ आई रहता, यहाँ ई रहता, तो वहां ए वाला होता, ये भी होता, या क्वेश्चन में क्या हो सकता है। ये तो सिंपल सा था कि पैटर्न क्या हम लोग पकड़े कि, अच्छा हम लोग ये भी कह सकते थे ना कि ये दोनों पैटर्न है, ये दोनों कैसे कह सकते थे, नहीं कह सकते थे, ये बिल्कुल गलत होता, क्योंकि अभी मैंने कहा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये पैटर्न बन रहा है, क्योंकि ए के बाद आता है वॉवल में ई और आई के बाद आता है ओ, या और कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, कुछ भी नंबर उठाया हुआ है, इसलिए हम लोग को यही चेक करना होगा। वॉवल कॉन्सोनेंट पे जाते हैं तो पहले हम लोग को ये चेक करना है किस पैटर्न पे है वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल हम लोग देख रहे हैं सीक्वेंस है, फॉरवर्ड सीक्वेंस है ए ई आई, तो अब आएगा ओ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अभी तो हम लोग फॉरवर्ड सीक्वेंस में देखे कि पहले इनिशिएट हो रहा है वॉवल से, लास्ट दो लेटर्स था हम लोगों का कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, ये क्वेश्चन देखते हैं, एफ ए एम इज टू टी ई एन प्रोपोर्शन, बी आई टी इज टू वॉट। तो अभी मैंने कहा था कि उस वाले क्वेश्चन में पहला इनिशिएट हो रहा था वॉवल से, फिर दो जो था वो था कॉन्सोनेंट, लास्ट का दो लेटर्स। यहां देखते हैं यहाँ क्या हो रहा था, हम लोग साफ देख सकते हैं बीच वाला वॉवल, वॉवल, तो हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि बीच वाला वॉवल है और लास्ट दोनों कॉन्सोनेंट्स है, तो नेक्स्ट क्या होगा। वोवेल कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से बनता है, मीन्स हम लोग कुछ भी यहाँ पे ना अज्यूम नहीं कर सकते कि यहाँ पे हाँ ए ई आई, यहाँ भी फॉरवर्ड बेस बन रहा तो वहां ओ होगा बीच में, और आगे कुछ भी लगा दो, वहां हम लोग का ऑप्शन वर्क करता है। जब भी हम लोग वोवेल कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग का ऑप्शन वर्क करता है। मान लेते यहाँ पे ऑप्शन था ए टैप, बी कैट, सी हेन और डी टॉप। मान लेते चार ऑप्शंस था, तो हम लोग ये देख लिए कि बीच वाला जो है यहाँ पे वॉवल से, यहाँ भी देखे क्वेश्चन में कि सारा बीच वाला वॉवल से, लेकिन यहाँ हम एक और चीज नोटिस किए कि ए ई आई यहाँ भी फॉरवर्ड बेस्ड में चल रहा है, फॉरवर्ड बेस्ड सॉरी फॉरवर्ड बेस्ड चल रहा है ए ई आई, तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए ओ, तो हम लोग तुरंत मिल गया हम लोग का ऑप्शन डी टॉप, एंड यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा टी ओ पी। क्लियर, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग का दो कॉन्सोनेंट कर दे लास्ट वाला वॉवल, बैकवर्ड सीक्वेंस में हो और फॉरवर्ड सीक्वेंस में हो, हमको पता करना क्वेश्चन देख के। और वॉवल कॉन्सोनेंट का क्वेश्चन जनरली जनरली नहीं हमेशा ऑप्शन से ही बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से इजी हो जाता है और फास्ट हो जाता है, और देख के पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते थे, पॉट भी कर सकते थे, या टॉप है तो हम लोग पॉट भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में तो पॉट है ही नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते ना अज्यूम, तो हम लोग को ये देखना हो कि ऑप्शन क्या कह रहा है, और जो ऑप्शन कह रहा होगा उस हिसाब से हम लोग मार्क कर देंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, और अगर क्लियर है सबको तो वेल एंड गुड, नहीं है क्लियर यू जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, आई विल क्लियर इट इन डाउट सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोग को, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।